बिहार में आरक्षण का जिन रह रह कर फिर बाहर आ जाता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित पिछड़े और अति पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण की वकालत की थी, वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में भी 70% आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही यह भी ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तब सूबे में 70% आरक्षण दिया जाएगा। देश के सियासतदान अच्छे से जानते हैं कि आरक्षण के सहारे वो जीत की दहलीज पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए हर चुनाव से पहले ये मुद्दा बनता ही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरक्षण का जिन बाहर आया था और अब 2019 के आम चुनाव से पहले सूबे में आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ी जातियों और दलितों के लिए आरक्षण को कायम रखने की बात कहते हुए खुद की सरकार की पीठ थपथपाई थी। साथ ही लालू यादव के राज में आरक्षण पर काम न होने पर सवाल भी खड़े किए थे। वहीं अब विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सूबे के लिए 70% आरक्षण की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, ठीक उसी तरह से सूबे में भी आरक्षण मिलना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव पटना में निषाद राजनीतिक जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलकर दलित पिछड़े और अति पिछड़ों को मिले आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। जब से ये सरकार आई है तब इसे शिक्षा, रोजगार, राजनीति समेत सभी क्षेत्रों में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में 85% आबादी के लिए केवल 49% आरक्षण की व्यवस्था है, जबकि 15% वालों के लिए 51% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।